अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अपना न्यू वीलॉग, जो कि हम आए थे DHA 360 ज़ू। सो जी, हमें जो है टिकट्स मिल चुके हैं, बस अब जो है हम लोग ज़ू में जाने लगे हैं। सो जी, हम सब जो है यहाँ पे इंटर हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे जो हैं यहाँ पे बर्ड्स हैं। और जी, बहुत ही बड़ा जो है ये एरिया में जो है ये ज़ू जो है वो बना हुआ है DHA वाला। और सो जी, आप मेरे साथ साथ रहिएगा, स्पेशली जो हैं बर्ड लविंग जो हैं और साथ में जो एनिमल्स लवर हैं उनके लिए जो है ये व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है। सो जी, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। सो यहाँ पर जो है परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पर जो पैरट्स हैं उन्हीं की काफ़ी सारी जो है ना किस्में हैं, जो कि अलग अलग जो है ना उन्होंने रखे हुए थे। और मेरा दिल था कि इनकी वॉइस जो है मैं आपको साथ साथ सुनाती, बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ें थी। बट साथ में जो है वो म्यूज़िक कौन था, इस वजह से जो है आपको पता है हम इस तरह से जो है साथ में जो है उसको नहीं ले सकते। देखें कितने डिफरेंट टाइप्स के जो हैं यहाँ पे बर्ड्स हैं। और DHA का ज़ू जहाँ पे बना हुआ है, सुना कि यहाँ पे सारे जो हैं आम के बागात थे, तो उन्होंने जो है जगह को प्लेन करके जो है यहाँ पे ज़ू बनाया है। बट यहाँ पर जो है कुछ उन्होंने जो है दरख्त जो हैं उनको छोड़ दिया, ताकि खूबसूरती के लिए, ग्रीनरी के लिए, जो कि इसको एक बड़ी ही नेचुरल और ख़ूबसूरत लुक देते हैं। यहाँ पर जो है ये देखें, यहाँ पे उन्होंने जो है एक टॉप बनाए हुए जहाँ के ऊपर जाके जो है आप पूरा जो है ज़ू का व्यू कर सकते हैं। और बाय चांस जो है जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा था, और इस टाइम जो है तकरीबन शाम का टाइम है और लाइट्स, और देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ से जो है वो व्यू आ रहा है। और यहाँ पर जो है वो शोर भी काफ़ी था, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। और अब जो है ज़ाहिर है मुल्तान में जो है पहले काफ़ी प्लेसेस थी, जैसे कि यहाँ पे एक जिना पार्क था, शमस पार्क था जब हमारे बचपन की बात है। बट अब जो है आहिस्ता आहिस्ता सुने कि वहाँ पर इतनी रौनक नहीं होती, या शायद क्लोज़ हो चुके हैं, कभी अब चक्कर नहीं लगा वहाँ का। बट हाँ, क्योंकि अभी न्यू बना है कुछ अर्सा पहले ही, और यहाँ पे जो है उन्होंने इसको थ्रो जो है वो सेट भी किया हुआ है। सो इस वजह से जो है जो जाहिर है लोग जो आउटिंग के लिए बाहर आते हैं उनको कोई ऐसी प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे जो बच्चों को ले जा सकें और वहाँ पे जो है उनको घुमा फिरा सकें। और यहाँ पर जो है साथ में ही ज़ू है, और साथ में ही इसके कश्मीर पार्क भी जो है वो DHA में ही बना हुआ है। सो फुल ऑफ इंजॉयमेंट है जो भी यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। और जो लोग भी मुल्तान में रहते हैं, सो अभी तक जो है उन्होंने DHA 360 ज़ू का विज़िट नहीं किया, तो वो लाजमी जो है विज़िट करें, बिल्कुल इंजॉय करेंगे। खैर अभी तो गर्मी भी बहुत है, जिस दिन हम गए थे उस दिन तो गर्मी भी नहीं थी, अदरवाइज़ जो है गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल हो। वैसे ये है कि वैरायटी बहुत है, और बर्ड्स और जानवर स्पेशली मुझे लगता है बच्चे देख के बड़े खुश होंगे। जो आउट ऑफ सिटी भी हैं, जो मुल्तान में नहीं रहते, उनके लिए भी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि पहले भावलपुर जाना पड़ता था या लाहौर, पर तकरीबन उन्हीं के मुकाबले का जो है ना इन्होंने बनाया है। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम लोग आए थे, और ये देखें यहाँ पर है फ्लेमिंगो बर्ड्स। और मैंने जो है इनको फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, और बच्चों ने ही बल्कि हमें बताया कि इनको फ्लेमिंगो बर्ड्स कहते हैं। हाँ, वीडियोस वगैरह में कहीं देखा होगा तो, बट बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में जो है ना, बड़े नाजुक से इनकी टांगे, इनके पाँव बड़े प्यारे लग रहे थे। और थोड़ा सा आगे गए हम लोग तो यहाँ पे देखे, मैं आपको दिखाती हूँ आम के दरख्त हैं, और माशाल्लाह से इतना आम उनको लगा हुआ है, और पूरे ज़ू में जो है वो इसी तरह से हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे आम के दरख्त हैं वो माशाल्लाह से इसी तरह पूरे जो हैं वहाँ पे उनके ऊपर आम लगे हुए हैं। और इतना देख के जो है इनको फ्रेश फील हो रहा था इस टाइम जो है, क्योंकि शाम का टाइम था और रात बिल्कुल होने वाली थी, बल्कि तकरीबन हो ही गई थी यहाँ पे। सो इसीलिए जो है ना तो इतना अच्छा नज़र आ रहा है और ना ही इतना क्लियर नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर जो है टाइगर भी जो है उन्होंने रखे हुए हैं, और उनके लिए एक स्पेशल एक अलग से ट्रैक बनाया है, और वो जो ट्रैक है उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड पर नहीं बनाया बल्कि ऊपर बनाया है। सो वो चलते फिरते नज़र आते हैं, ख़तरा भी नहीं है, बट देखने में वो बड़ा अच्छा लगता है। सो अगर दिन का टाइम होता तो वो चलते फिरते नज़र आते, सो मैं लाजमी उनकी वीडियो बनाती। बट इस टाइम जो है रात का टाइम था और वो बिल्कुल छुप के बैठे हुए थे जब हम लोग उनके पास गए हैं। किधर है, नज़र तो नहीं आ रहा। अच्छा वो है,
आया आया आए। हेलो हेलो और एक बंदर जो है वो देखिए सामने ऊपर जो है वो चढ़ के बैठा हुआ है और जब थोड़ा सा आगे गए हैं और ये है हिरन या शायद इसको बारासिंगा कहते हैं। ये देखिए मैंने मज़े से जो है ये पिक्स बनवा रहा था। आपको तो सही इसको तो लाइट बोलते हैं। हाँ हाँ वो देखो ऊपर से हिल रहा है, ऊपर भी है वो, इधर इधर उधर छोटा सा बच्चा है, बड़ा भी है और छोटा सा बच्चा भी है इधर भी। स्मेल कितनी है। हाँ लेकिन नज़र तो सही आ रहा है। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं टाइगर के बच्चे। तो ये छोटे छोटे हैं बट ये रोशनी वाली साइड पे हैं इसलिए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो है जहाँ पे टाइगर बैठे हुए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वो बिल्कुल अंधेरे में जो है ना छुप के बैठे हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहे। और सामने देखें सीढ़ी लगी हुई है जहाँ से ये चढ़ के ऊपर जाते हैं और ऊपर जो है पूरे का पूरा इनका जो है ट्रैक बना हुआ है वॉकिंग एरिया इनके लिए स्पेशल से। मैं अभी जो है आपको दिखाती हूँ ऊपर की तरफ। अभी पहले तो और ये देखें ये है वो ट्रैक जहाँ से वो जो है गुजर के जाते हैं। दिन के टाइम जो है यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आता है और चलते फिरते भी जो है वो बड़े प्यारे लगते हैं। पर चूँकि रात का टाइम है वो खुद भी लेजी से हो रहे हैं और अंधेरे में जो है वो सही से नज़र भी नहीं आ रहा। नहीं चीता लग रहा है पहाड़ी बकरा। चलो कि तो बड़ा एक्सपीरियंस है। और वीडियो जो है यहाँ पे काफ़ी लंबी बन गई थी हालांकि मैंने इसको बहुत क्रॉप करके एडिट करके फिर जो है मैंने इसको बनाया है। सो पूरी कोशिश की है कि आपको जो है फुल ज़ू जो है मैं दिखा सकूँ। आई होप सो कि आपको जो मेरी वीडियो जो है ये काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो जी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।